ये देखिए, ये भी एक प्लेटो बना रहे हैं। स्टेप उसको भी हमने कवर कर दिया, ये शेप दे दिया है। यहाँ बगल से कीवर जाएगी। इस टाइप से इसको हमको पहले टिश्यू पेपर से बनाकर कवर करके फिर पेंट करना है। ये टेक्सचर लाने के लिए हम देखिए इसको इस टाइप से यूज़ कर रहे हैं, ऐसा पेपर को कट कर करके ऐसे लगा रहे हैं, और इसको दबाने के बाद ये इस टाइप से टिश्यू पेपर से कवर करेंगे तो ये टेक्सचर आते जाएगा। ये देखिए इस टाइप से इसको भी अभी हम टिश्यू पेपर से कवर करेंगे। इसको अलग अलग कटिंग कर लिए, कटिंग करके एक ऊपर एक थोड़ा सा बीच में गैप रख करके इसको चिपकाए हैं। ठीक है, तो ये टेक्सचर बनेगी। इस टाइप से हम करने आ रहे हैं। देखिए इस टाइप से हमने टेक्सचर दे दिया। टिश्यू पेपर स्टेप बाई स्टेप को धीमे धीरे रख करके नीचे न्यूज़पेपर लगा करके जब ये सूखेगा, सूखने के बाद फिर इसको हम कलर करके इफेक्ट लाएंगे। ठीक है, ये प्लास्टिक है तो ये जो ऐसे फट जाते हैं इसको भी आपको फिर से टिश्यू पे लगाना है, ऐसे छोड़ना नहीं, वरना कलर में अच्छा इफेक्ट नहीं आ पाता है। ठीक है, ये देखिए मेरा कपड़ा कम्प्लीट हो गया है। इसको हम छुएंगे नहीं, बिल्कुल सूखने में रख देंगे। अभी बिल्कुल टिश्यू पेपर गीला है, थ्री मॉडल आपका रेडी हो जाएगा। ये क्या सबसे अभी सूखेगा, सूखने के बाद इसको कलर कर देंगे। इसको बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है जब तक आपका ये प्रोजेक्ट का ये चैप्टर रेडी नहीं होता। जो भी इफेक्ट आ रहेंगे वो हम कलर से लाएंगे। ठीक है, को देखिए धीमे धीमे उसको कलर कर रहे हैं। जहाँ पे जैसे स्ट्रोक्स आ रहे हैं उसको ऐसे डालना है हल्के के हाथ से, थोड़ा सा पानी लेना है, कलर लेना है, और इस टाइप से ब्रश आपको स्लीपिंग में चलानी है। स्ट्रेनिंग ब्रश नहीं चलाना है, स्लीपिंग में चलाना है, ताकि इसकी जो लाइन से वो मालूम पड़े। कभी ब्रश में ब्राउन ले करके ऐसे स्ट्रोक्स में इस टाइप से हल्के हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं क्योंकि टिश्यू पेपर है, तो आपको हल्के हल्के हाथ से इसको करना है। फिर तो धीमे धीमे इसको हम पूरा कलर से पेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे हल्का सा कर दिया है, एक बार सूख जाएगा फिर से अच्छा से इफेक्ट लाएंगे। स्टेप इसको पूरा कंप्लीट करने आ रहा है। स्टेप से कलर कर दिया है येलो और इसका इफेक्ट लाकर, बैक साइड भी हमने कलर कर दिया है। इस साइड में थोड़ा डार्क का शेड लगाए हैं। इस टाइप से पूरा कलर हो जाएगा तो हमने नीचे ब्लू का कलर डालना है, और कल सूखने के बाद कहीं अगर बाकी रहता है तो फिर हम उसको और भी कलर करते हैं। देखो प्लाइट रेडी हो रहा है, मेरी पेंटिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। इस साइड से आप लोग भी अपना प्लेटो बनाइए 3D मॉडल में।